तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये गाइज स्टडीज के रिलेटेड नहीं है, लेकिन जितनी भी स्टडीज खासकर जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं, उन स्टडीज के मद्देनजर रखते हुए किस प्रकार का आगे एम्प्लॉयमेंट का सिनारियो उनकी लाइफ में आने जा रहा है, तो ये सब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो टॉपिक है उसका टाइटल ही मैंने यही दिया है कि एम्प्लॉयमेंट सिनारियो इन द यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस जम्मू और कश्मीर जो है ये आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के बाद काफी ज्यादा न्यूज में है, और ये सिर्फ इस वजह से ही न्यूज में नहीं आया है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो 1947 से ही जम्मू और कश्मीर जो है लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। वो ये कारण है कि इसका जो डिस्प्यूटेड स्टेटस था एक यूएनओ में, तो आज भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन हम उन डिस्प्यूट्स पे नहीं जाएंगे। हम आज देख रहे हैं कि जो कुछ अभी रिसेंट पहले न्यूज एक आई थी कि 50,000 नौकरियां सत्यपाल मलिक जी ने बोला था जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तो गाइस तब तो ये एक अफवाह लग रही थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं आपको सारी स्लाइड्स बताऊंगा कि किस प्रकार जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उन्होंने 2,000 करोड़ का जो एलोकेशन दिया है सिर्फ 50,000 नौकरियों के रिगार्डिंग, और इसके अलावा भी कुछ पैसे दिए हैं 3 टूरिस्ट सर्किट्स को डेवलप करने के लिए दिए। तो इम्प्लॉयमेंट सिनारियो क्या होने वाला है जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो गाइज अगर आप भारत का नक्शा देखते हैं, ये देखिए ये हमारे प्यारे भारत का नक्शा है, तो इसमें ये जो है ये ऊपर टॉप वाला पोर्शन ये जम्मू और कश्मीर आ गया। देखिए लद्दाख भी पहले इसी के साथ था, लेकिन आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद इस जम्मू और कश्मीर एर्स्ट वाइल स्टेट का बाइफर्केशन होता है और यूटी ऑफ लद्दाख अलग से बनती है और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अलग से बनती है। तो गाइस जम्मू और कश्मीर का ये जो पार्ट है ये जम्मू और कश्मीर में आता है, और ये जो पार्ट है ये लद्दाख के अंडर दिया गया है। तो गाइस एक कंसेप्ट में आपका और क्लियर कर दूं कि आप अलग अलग मैप्स देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर के रिगार्डिंग, तो काफी सारे जो YouTube पे मैं वीडियो देखता हूँ या फिर अलग अलग सोशल मीडिया पे देखता हूँ, तो इस प्रकार का ये जो मैप है ये काफी पॉपुलर है। जिसको भी मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोग जो है यही मैप के साथ जम्मू और कश्मीर को बताते हैं। लेकिन गाइस जो सर्वे ऑफ इंडिया ने जो ऑफिशियल मैप इशू किया था वो इस तरीके का J&K नहीं है, उसमें उसमें जम्मू और कश्मीर इतना है और बाकी ये जो सारा पार्ट है ये लद्दाख है। हालांकि इसमें कुछ एरिया जो है ये आप कह सकते हैं कि यहां से लेके जम्मू और कश्मीर का भी कुछ एरिया या अभी पाकिस्तान के पास है। देखिए वक्त आने पर वो भी ले लिया जाएगा, लेकिन जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें जम्मू और कश्मीर का ये पार्ट है और ये जो है लद्दाख यूटी का है। अगर आप ये वाला मैप देख रहे हैं जिसमें ये POK का एरिया जो है जम्मू और कश्मीर की यूटी में बताया जाता है, तो ये मैप टोटली गलत है। तो गाइस इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं कि आर्टिकल 370 की रिवोकेशन के बाद 50,000 नौकरियों का वादा जो स्टेट के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने किया था वो क्या था, उसके बाद रिसेंटली 2000 करोड़ का एलोकेशन होता है 50,000 नौकरियों के लिए, उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ गई हुई हैं और कौन कौन सी अभी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पास आना बाकी है कि जिसके बाद जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो गाइस डिटेल में देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात डिस्कस करने वाली ये है कि ये डेली एक्सेलसर में 18 मार्च को ये अनाउंसमेंट एक पब्लिकेशन हुई थी जिसमें ये दिया गया था कि फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस 50,000 जॉब्स फॉर J&K विद बजटरी प्रोविजन 3 रिलीजियस सर्किट्स। तो गाइस ये डिटेल में अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि ये 3 मार्च 2020 में ये बात सामने निकल के आई, यानी ये 17 मार्च में निर्मला सीतारमण जी ने ये अनाउंसमेंट की जी कि जो सत्यपाल मलिक जी ने वादा किया था या जो भी वेकेंट पोस्ट हैं J&K में उनको फुलफिल करने के लिए, हालांकि ये जो वेकेंट पोस्ट हैं ये होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि 84,000 जो पोस्ट हैं वो वेकेंट हैं जम्मू और कश्मीर में, लेकिन जिस प्रकार के हालात हैं अभी इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है तो इतनी पोस्ट को जगदम भर देना एक आसान बात नहीं होता गवर्नमेंट के लिए। तो उन्होंने ये बात बोला कि जो 50,000 नौकरियां हैं वो हम इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करेंगे, यानी 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक उनको कंप्लीट करेंगे। लेकिन गाइज अभी रिसेंटली न्यूज में ये भी चल रहा है कि जो फिजल ईयर था हमारा जो 1 अप्रैल से शुरू होता है इसको पोस्टपोन करके 1 जुलाई कर दिया गया है। तो अब ये जो
2000 करोड़ का एलोकेशन है, ये हमारा इंप्लीमेंट हो जाएगा 1 जुलाई से, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते ये सारे डिसीजन जो है लिए गए हैं। तो देखिए, ये अब डेली एक्सेलसर का ही न्यूज है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला कि 50,000 नौकरियों के लिए उन्होंने बजटरी एलोकेशन दिया है, प्लस 3 रिलीजियस सर्किट्स। तो गाइस देखते हैं डिटेल में ये न्यूज क्या थी। देखिए, द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टुडे प्रेजेंटेड रुपीज 1.01 लाख करोड़ वर्थ एनुअल बजट फॉर जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020 टू 2021 इन द लोकसभा, प्रपोजिंग 50,000 जॉब्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर बैक्ड बाय बजटरी एलोकेशन ऑफ रुपीज 2,000 करोड़ फॉर अपकमिंग फीजल ईयर एंड अनाउंस्ड इंट्रोडक्शन ऑफ 3 रिलीजियस सर्किट्स टू री एनर्जाइज टूरिस्ट इंडस्ट्री इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस क्लियर वर्ड्स में ये लिखा गया है कि जो निर्मला सीतारमन ने क्या किया 17 मार्च को, 1.01 लाख करोड़ जो है उसका एलोकेशन किया, और उसमें पर्टिकुलरली जो है 50,000 जॉब्स के लिए उन्होंने 2,000 करोड़ अलग से दिया है। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने की बात यह है कि जो 50,000 वैकेंसीज हैं वो आने वाले इसी फीजल ईयर में, यानी जो 1 जुलाई से आगे चलेगा, तो उसमें ये पूरी की जाएंगी। तो गाइस किस प्रकार के रिलीजियस सर्किट्स या जो भी टूरिस्ट सर्किट्स बनते हैं वो भी आने वाले देखने की बात होगी। द बजट स्टेटमेंट ऑफ सीतारमण टेबल्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट टुडे स्टेटेड दैट आउट ऑफ द टोटल बजट एस्टिमेट्स ऑफ रुपीज 1,01,426 करोड़ फॉर 2021, जम्मू एंड कश्मीर विल हैव 38,764 करोड़ फॉर डेवलपमेंट। तो गाइस जो डेवलपमेंट के लिए पैसा है वो भी काफी ज्यादा दिया गया है। तो जो हमारा टारगेट है यहाँ पर बात करने का, जो उद्देश्य है जिसके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो यही है कि 2000 करोड़ जो है वो स्टेट के एक्सचेकर में आ गया है, और जैसे ही कोरोना वायरस का खतरा कम होता है या ये खत्म होता है, तो 50,000 नौकरियां जो है वो जल्दी, यानी 31 मार्च 2021 से पहले कंप्लीट की जाएंगी। तो गाइस इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले, यानी यहाँ पर डेट दी हुई है मार्च 8, 2020, यानी आज से एक महीना पहले ये द हिंदू के फर्स्ट पेज पे हेडलाइन पे आया था कि 84,000 वेकेंट पोस्ट इन कश्मीर बट नो रिक्रूटमेंट येट। कि ये पार्लियामेंट्री, इसको डिटेल में हम देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, रिप्लाइंग टू अ पार्लियामेंट्री पैनल द होम मिनिस्ट्री साइटेड स्क्रूटनी ऑफ डिटेल्स एज रीजन फॉर पुटिंग ऑफ द प्रोसेस। कि जो ऑलरेडी जम्मू और कश्मीर में कुछ जैसे जेके बैंक में धांधलियां हुई हैं, अभी भी रिक्रूटमेंट बच्चों की लटकी हुई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि स्क्रैप करने का कोई रीजन नहीं है उनके पास। तो देखिए उसी के रिगार्डिंग इसी प्रकार की जो लैकुनाज हैं, रिक्रूटमेंट जो हो चुकी हैं या चल रही हैं, अलग अलग प्रकार की धांधलियां हुई हैं, और यही कारण है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को होम मिनिस्ट्री ने बताया कि जो जितनी भी धांधलियां हुई हैं पहले हम उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद ये जो नई वैकेंसीज हैं इनको हम जल्दी से फिल करेंगे। ऑलमोस्ट 7 मंथ्स आफ्टर आर्टिकल 370 वाज रिवोक्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज इन्फॉर्म्ड अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी दैट द J&K एडमिनिस्ट्रेशन हैज आइडेंटिफाइड नियरली 84,000 वैकेंट गवर्नमेंट जॉब्स इन द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी, बट द रिक्रूटमेंट इज येट टू बिगन एज द डिटेल्स आर स्टिल बींग स्क्रूटिनाइज्ड। तो गाइस किस प्रकार की वैकेंसीज हैं, क्या जो ऑलरेडी लोग लगे हुए हैं उसमें बैकडोर एंट्रीज कितनी हैं, जैसे जेके बैंक में पिछले 3 सालों में 2800 बैकडोर एंट्रीज हैं। तो गाइस इस प्रकार की बैकडोर एंट्रीज को भी वो बाहर निकाल कर फिर देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं, और ये 84,000 ये जो है मिनिमम है, ये नंबर आपका 1 लाख भी पार करने वाला है, ये आने वाले कुछ समय आपको बता देगा। तो गाइस इस प्रकार से मैं अलग अलग सोशल मीडिया पे, चाहे वो व्हाट्सएप है चाहे फेसबुक है, जब से डोमिसाइल ला आया हुआ, तो उसके बाद बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स घबराए हुए हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, देखिए डोमिसाइल ला में काफी लैकुनाज हैं, जो सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि फोर्थ ग्रेड के लिए या फोर्थ लेवल या फिफ्थ ग्रेड के लिए ही इन्होंने जो रखा हुआ है डोमिसाइल J&K रेजिडेंट्स के लिए, बाकी सारे पैन इंडिया। तो इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है, जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं ये कंपटीशन में टॉप लेवल की स्टेट्स के साथ कंपीट कर रहे हैं, कर सकते हैं। रिसेंटली RBI का जो एक रिजल्ट आया उसमें केरला, तमिलनाडु, जितनी भी टॉप मोस्ट स्टेट्स हैं उनका कट ऑफ 100 में से 95 रहा है, और जम्मू कश्मीर का भी 95 रहा है। हालांकि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में जम्मू कश्मीर की सीटें कम होती हैं, लेकिन जिन स्टेट्स में सीट्स ज्यादा होती हैं उनकी पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। तो कुल मिला के अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से देखें
तो जो वैकेंसीज हैं, जो कट ऑफ है, जो इंटेलिजेंस है, जो कंपटीशन है, जम्मू कश्मीर का ऐसा बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर का बच्चा किसी अलग स्टेट से कम्पीट नहीं कर पाता। हालांकि ये बात अलग है कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो बॉर्डर एरियाज में है, आईबी है चाहे एलओसी है, वहां पर फायरिंग्स रहती हैं, टेररिज्म के कारण इंटरनेट बिल्कुल बंद रहता है, मतलब ना के बराबर अभी 2G यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद जम्मू और कश्मीर की जो राजनीति है, क्योंकि किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती। जम्मू जो रीजन है वो हिंदू पॉपुलेशन से डोमिनेटेड है, कश्मीर में मुस्लिम डोमिनेशन है, और इस प्रकार के सिनारियो में इंडिया में जैसे कास्टिज्म या ये जो रिलीजन वाला कंसेप्ट है ये काफी ज्यादा रिजिड भी है। तो गाइस जब तक एक प्रकार की सेकुलर पार्टी निकल के नहीं आती जो कश्मीर में भी और जम्मू में भी दोनों को रिलीजन को साइड पर रख के, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, एम्प्लॉयमेंट को, यूथ को ध्यान में रख के जो पार्टी इस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस होगी, वही आने वाले टाइम में जो जम्मू और कश्मीर है इसमें अगर इस प्रकार की पार्टी आती है तो ही जम्मू और कश्मीर का जो अच्छी जो स्टेट्स में डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तो इस प्रकार की स्टेट्स के बराबर हम कम्पीट कर पाएंगे। लेकिन गाइज वो अलग मैटर है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि 84,000 जो है जॉब्स वेकेंट्स हैं, लेकिन इनमें से 50,000 के लिए 2000 करोड़ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया है, और ये जल्दी फिल होंगी। कब फिल होंगी? 31 मार्च 2021 से। तो गाइस देखिए, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, गवर्नमेंट जॉब्स टू बी रिजर्व्ड फॉर डोमिसाइल्स ऑफ जेएंडके सेज सेंटर। तो गाइस ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एमएचएस होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिप्लाई टू अ पार्लियामेंट्री पैनल ऑन फरवरी 18, देयर आर ओवर 84,000 वैकेंसीज इन जेएंडके, कि इससे भी ज्यादा, मैंने आपको बोला था पहले ही कि इससे भी ज्यादा वैकेंसीज हैं और 1,00,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं जम्मू और कश्मीर में वेकेंट हैं। उसका रीजन ये है कि जैसे ही 2014 में पीडीपी और बीजेपी की कोएलिशन गवर्नमेंट आती है तो दोनों, देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक जगह पर इक्वेटर पे नहीं मिल सकते, ये इम्पॉसिबल कंडीशन थी, लेकिन बीजेपी और पीडीपी ने इसको पॉसिबल करते हुए जैसे तैसे 3 साल, मैं तो यही बोलूंगा कि हमारी स्टेट को बिल्कुल रुइन किया, दोनों ने मिलकर रुइन किया। और उसके बाद जो है, जैसे ही बीजेपी को लगा कि अब ये सरकार नहीं चल पाती, तो उसके बाद प्रेसिडेंट गवर्नर रूल आ गया, फिर अब प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तो देखिए आने वाले वक्त में कब तक ये चलता है। तो गाइस यही कारण है कि कोई भी मेजर रिक्रूटमेंट नहीं हुई, और यही कारण है कि 1,00,000 के आसपास वैकेंसीज जो है वेकेंट हो चुकी हैं या होने वाली हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ये एक्चुअल में अभी वेकेंट है या किस प्रकार ये वेकेंट होंगी जो 1,00,000 के आसपास आंकड़ा पहुंचेगा। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये रिप्लाई में कहा कि 84,000 वैकेंसी जो हैं ये वैकेंट हैं जम्मू और कश्मीर में, जिनमें से 22,078 प्रिटेंड टू क्लास फोर्थ इंप्लाइज, जो फोर्थ ग्रेड, ग्रेड फोर्थ की जो जॉब्स हैं वो लगभग 22,000 के अलावा, सॉरी इसके करीब जो है वो वैकेंट्स हैं। 54,000 टू नॉन गेजेटेड पोस्ट, जैसे टीचर्स की होगी, VLW की होगी, जैसे सोशल वर्कर्स की होगी, अलग अलग पोस्ट हैं, एंड अराउंड 7,552 एट द गेजेटेड लेवल। गेजेटेड लेवल में जैसे आपका KS जम्मू, अब इसका नाम जो है JKAS ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, जैसे GMCs हैं, तो गेजेटेड पोस्ट जो है ये 7,500, नॉन गेजेटेड ये 54,000, और उसके बाद 22,000 पोस्टें जो हैं ये फोर्थ क्लास इंप्लाइज के लिए वेकेंट हैं। तो गाइज ये जो नंबर है ये अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जितनी भी बैकडोर एंट्रीज हुई हैं वो अभी निकलेंगे। तो इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी कि जो डोमिसाइल ला है, हालांकि ये डोमिसाइल ला सिर्फ फोर्थ ग्रेड या फिफ्थ ग्रेड के इंप्लाइज के लिए ही इन्होंने रिजर्व रखा है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही सिचुएशन थोड़ी ठीक होती है, कोरोना वायरस से देश जो है निपटता है, इस मुसीबत से बाहर निकलता है, तो इसमें भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अमेंडमेंट इसमें किया जाएगा। लोगों की डिमांड होगी, जितने भी विपक्षी दल जो है उनकी डिमांड होगी, और इसमें भी अमेंडमेंट करके कुछ चंद परसेंट, यानी 100 में से 2-4% जो है वही पोस्टें पैन इंडिया होंगी, और बाकी सारी जो है वो जेएंडके के रेजिडेंट्स के लिए जो है वो एलिजिबल होंगी। तो गाइज ये जो 84,000 वैकेंसीज का कंसेप्ट है, या फिर इससे ऊपर जो वैकेंसीज हैं ये वेकेंट हैं जेएंडके में, ये इसके लिए मुझे एक लॉजिक जो पर्सनली लग रहा है वो ये लग रहा है। देखिए आप, लिखा हुआ सरकारी कर्मियों को अब 60 साल या सेवा के 33 साल पर रिटायरमेंट,
तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने नए नियम को 1 अप्रैल से अमल में लाने के प्रस्ताव को दिया अंतिम रूप, केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजी फाइल। तो गाइज ये किसी न्यूज़पेपर में स्क्रीनशॉट मेरे पास सोशल मीडिया के थ्रू ही पहुंचा है, हालांकि ये गलत नहीं हो सकता, लेकिन देखिए इसके रिगार्डिंग जो है लाइव मिनट में एक कुछ दिन पहले एक आर्टिकल फिर से आया जिसमें ये बात बोली गई कि ये जो अफवाह है ये टोटली गलत है, सरकार 60 साल और 33 साल के फार्मूले को नहीं इंप्लीमेंट कर रही है। लेकिन गाइज ये सरकार की तरफ से क्लेरिफिकेशन तब आती हैं जब इस प्रकार की बातों को लेके लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाता है, जैसे आर्टिकल 370 की जब रिवोकेशन होने की बात आई थी 5 अगस्त की, तो 4 अगस्त या 3 अगस्त को जब सारी पार्टियां जो है जम्मू और कश्मीर में खलबली मच गई, तो सत्यपाल मलिक ने क्या स्टेटमेंट दी कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, भारत सरकार 370-35A के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रही है। इस प्रकार का आश्वासन सरकार की तरफ से आता है और दूसरे ही दिन राज्यसभा में अमित शाह जी अनाउंसमेंट करते हैं कि ये जो जम्मू और कश्मीर का 370 आर्टिकल है इसको हम रिवोक कर रहे हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इनको बांट रहे हैं। तो गाइज ठीक यही सिनारियो इस 33-60 के साथ भी इंप्लीमेंट होने रहा है। ये 1 अप्रैल 2020 से इंप्लीमेंट होना था लेकिन कोरोना वायरस के चलते किसी सरकार को अभी इंप्लाइज की जरूरत है, अगर इसको इंप्लीमेंट करने की कंडीशन में सरकार अभी नहीं है तो गाइज मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि 1 जुलाई से ये इंप्लायमेंट जो फार्मूला है रिक्रूटमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी और यही कारण है कि 84,000 वैकेंसीज या फिर 1,00,000 से ज्यादा जम्मू और कश्मीर में हो रही हैं और पैन इंडिया में ये 33 और 60 का फार्मूला जो है इंप्लीमेंट होगा। तो गाइज अगर आप भारत के किसी भी कोने से हैं, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो गाइज अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है तो गवर्नमेंट जॉब पाने का सुनहरा मौका आपको इसी साल में मिल जाएगा। तो गाइज इसके अलावा जम्मू और कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अभी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है ये इन्होंने रिजर्वेशन किस प्रकार से कि जहां मैं बोलूं कि कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्व्ड सीट्स वो इन्होंने बता दिया था, तो इसमें जो नई पॉलिसी के रिगार्डिंग एससीज जो है उनके लिए 8% रिजर्वेशन है किसी भी प्रकार की जम्मू और कश्मीर में अगर कोई जॉब होती है या प्रोफेशनल कोर्सेज में, एसटीज के लिए 10% है, सोशल कास्ट के लिए 4% है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या इंटरनेशनल बाउंड्री के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए 4% की रिजर्वेशन रखी है, रूरल बैकवर्ड एरिया के जो लोग हैं उनके लिए 10% की रिजर्वेशन है, उसके बाद पहाड़ी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है उसके लिए 4% की रिजर्वेशन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की 10% रिजर्वेशन है और उसके अलावा जो है 10% रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए और 4% रिजर्वेशन है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। तो गाइस इस तरीके से आप देखेंगे 8, 10, 18, 22, 26, 36, 40, 50 और ये 10%, 60% जो रिजर्वेशन है ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस ये ही कुछ सिनारियो था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था कि डोमिसाइल हो चाहे रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो चाहे आर्टिकल 370 रिवोक हो रहा हो, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जो ग्राउंड में सिचुएशन है उसके साथ आपको देख के चलना है, आपको आवाज उठानी है और आवाज एक लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल वे से ही उठानी है, आर्टिकल 19 को ध्यान में रखते हुए ही उठानी है। तो गाइस अगर आप परेशान हो रहे हैं सोशल मीडिया पे अलग अलग आ रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में बाहर के सारे लोग आ जाएंगे यहाँ के PN आ जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप UPSC या जितने भी ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स देखते हैं, इग्नो में अभी रिजल्ट निकला और ऑल इंडिया लेवल में कश्मीर से एक लड़की ने उसमें टॉप किया, UPSC के टॉपर्स जो हैं जम्मू और कश्मीर से निकल रहे हैं, अब PN की बात कर रहे हैं। गाइस मैं आपको ये भी एक विश्वास दिला दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पंजाब से उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश से राजस्थान से यूपी से बिहार से या भारत की अलग अलग स्टेटों से लोग निकल के जम्मू और कश्मीर में आएंगे, गाइस जम्मू और कश्मीर से ऐसे ही लोग डरते हैं क्योंकि यहाँ पर मिलिटेंसी हमेशा चलती रहती है, फायरिंग हमेशा चलती रहती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना है नहीं है, इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी ना के बराबर हैं। तो गाइस जो भी पर्सन टैलेंटेड है अदर स्टेट्स में उसको कोई जरूरत नहीं है कि घर परिवार सब छोड़ के जम्मू और कश्मीर में आएगा, और जो टैलेंटेड नहीं है जिसकी सिलेक्शन वहां पर नहीं होती अपनी स्टेट में उसकी सिलेक्शन कदापि जम्मू और कश्मीर में भी नहीं होगी। तो गाइस भरोसा रखिए। तो गाइज यही कुछ डिस्कशन था जो आपके साथ करना था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा
जो मेरे अलग अलग कोर्सेज के बैचेस चल रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ एवरग्रीन एमसीक्यूज, जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटन टेस्ट की तैयारी चल रही है। तो गाइज, अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियोज आपको हेल्प पहुंचा रही हैं या आपके किसी दोस्त तक फायदा पहुंचा सकती हैं, तो इस प्रकार की मुफ्त की शिक्षा का आप लाभ उठाएं। मेरे यूट्यूब चैनल के साथ अलग अलग जो यूट्यूब चैनल्स हैं जिनसे आपको बेनिफिट ले सकता है मिल सकता है गाइज, आप घर बैठे उन यूट्यूब को एक्सेस करिए और जो अपनी तैयारी है 1 लाख नौकरियों के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर और भारत की अगर मैं बात करूं तो ये करोड़ों के हिसाब से जॉब्स आने वाली हैं। आप अपने कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी रखें, क्योंकि जिस दिन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके 1 महीने के बाद एग्जाम होगा और 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला। अगर आपकी जॉब लगनी है तो वो आज की तैयारी ही आपकी डिसाइड करेगी कि आपको कल किस पोजीशन पर बैठना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।